ये रास्ता बंद है। राकापोशी बेस कैंप तक जाने के लिए गाड़ी का रास्ता है, ये इधर से हम आए और ये फिर बीच में एक रास्ता निकलते, बड़ा खतरनाक छोटा रास्ता है। ये नीचे रास्ते से हम आए हैं, बहुत ही खतरनाक। नैरो जीपेबल ट्रैक डाउन देयर इज अ रिवर। ये सामने शहराए कराकुरम है जिसको हमने छोड़ा और फिर ये पतला ये जीपेबल ट्रैक है, इस पे हम आए हैं। ये रास्ते में आ गया जी ग्लेशियर, दिस इज एक्चुअली ग्लेशियर, बर्फ है पिघल रही। ये ग्लेशियर मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। भाई राकापोशी जिसने देखना है बेस कैंप वो दिल में 100 दफा जरूर सोचे कि जाना है कि नहीं। ये बहुत नैरो डेंजरस ट्रैक है और नीचे खाइयां हैं। 2 घंटे तो हो गए हमें इस कच्चे ट्रैक पे गाड़ी चलाते हुए। एक वक्त में इस ट्रैक पे एक ही गाड़ी जा सकती है भाई। राकापोशी बेस कैंप जाने के लिए 100 दफा सोचना क्योंकि कच्चा नैरो ट्रैक है। 2 घंटे हमें हो गए और इसके बाद पैदल सफर है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट के बागों से लदे हुए गांव हैं। दो घंटे के बाद इसकी शक्ल नजर आई है और अभी आगे का सफर बाकी है। रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा। पतले ये पतले कच्चे ट्रैक हैं और पता नहीं आगे जाके हमें जो इतनी मेहनत की है उसका अजर मिलेगा कि नहीं। रोड खतरनाक है मगर हर मोड़ के बाद कोई ना कोई अच्छी सीनरी आ जाती है, दिन को एक सुकून हो जाता है। खाले होंगे हम लोग अराउंड 13,000 फुट की बुलंदी पे क्योंकि दरख्त अभी हैं और 15,000 के बाद दरख्त नहीं होते। बहुत ही खटन रास्ता है, मेरे ख्याल में कोशिश मत करना यहाँ आने की कोई बेहतर है आप राकापोशी को कराकोरम से देख ले। ये बेस कैंप मेस कैंप का इरादा मत करें। और अभी पता नहीं पैदल सफर के जबरदस्त किस्म का एडवेंचर है खास तौर पर ड्राइवर के लिए।
हर 40-50 गज में ये टर्न है जलेबी की तरह। ये नीचे से हम जो आए ये मेसर था और अभी हम खो जा रहे हैं। तो देखें सामने पहाड़ नीचे हो गए। हाँ, मतलब वो KKH है नीचे। ये कराकोरम हाईवे जो हम छोड़ के आए, और ये कितने ऊंचे हम आ गए हैं कि ये पहाड़ अभी हमारे लेवल पे आ गए। वो ऊपर अभी जाना है, वो जो रास्ता है, और जिन पहाड़ों को रोड पे हम गर्दन ऊंचा करके देख रहे थे, उन्हीं पहाड़ों को अभी हम सर नीचे करके देख रहे हैं। 10 बजे हम चढ़े थे जीपेबल ट्रैक पे पहाड़ों पे, और अभी 1 बज रहा है और हम अभी तक जीपेबल ट्रैक पर। बेस कैंप तक की खाली बात है, और ये सामने जो है ये हुंज है। अभी मैं आगे रास्ता देख रहा हूँ कि गाड़ी जा सकती है कि नहीं, और ये इन लोगों की हिम्मत है जो उन्होंने ये रास्ता कच्चा बनाया हुआ है, और ऑलमोस्ट ट्री लाइन को हिट कर रहे हैं, क्योंकि 15,000 के बाद दरख्त नहीं होते। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टिम्बर लाइन और ट्री लाइन। और वो ज़िगज़ैग जो है ये नीचे से कराकोरम से हम इस पे आए और अभी तक जलेबी की तरह चलते जा रहे हैं। नीचे से हम ज़िगज़ैग रास्तों से होते हुए यहाँ पहुंचे। तेरी स्टिक दुखवा लूं? और अभी हाँ हाँ तीनों निकाल दो। ये हम अपने मकाम पे पहुंच गए, अब यहाँ से पैदल सफर शुरू।